इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा जी बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट। इन तीन जो है के बारे में गाइड करूंगा कि इनके ऊपर कितनी इनकम तक, 2024 का जो नया बजट आया है, कितनी इनकम तक इन पे कोई टैक्स नहीं है, और अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम हो जाती है तो फिर इसके ऊपर टैक्स होता है, और इसकी एंट्री यहाँ पे होती है अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न में। ये आप देख सकते हैं, ये इसका हेड है, यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट स्लैश पेंशनर बेनिफिट अकाउंट स्लैश शहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट। और इसके अंदर अगर आप 6 लाख रुपए डालेंगे तो चूँकि ये 2024 का टैक्स रिटर्न है तो इसमें जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो अपडेटेड फॉर्म में मौजूद हैं, तो ये 6 लाख मैंने अपडेट कर दिया और टैक्स चार्जेबल पेमेंट में जाके मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ कि 6 लाख तक जो अमाउंट है आपकी स्टिल वो एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। पिछले साल में भी 6 लाख तक अमाउंट एग्जम्प्ट थी, इस साल भी 6 लाख तक अमाउंट जो है वो आपकी एग्जम्प्ट है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ज़ीरो टैक्स है, कोई भी टैक्स आपको पेबल नहीं है। ये होता है टैक्स का हेड, टैक्स चार्जेबल 9200 हेड होता है, ठीक है जी, तो कोई टैक्स नहीं है। बट इसमें मामला ये होता है कि अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे रिटर्न में शो करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स की पेमेंट आपको करना पड़ेगी। तो इसके लिए दोबारा मैं अदर सोर्सेज में जाता हूँ, आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे मैं अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ, अब मैं 6,10,000 रुपये इसको कर रहा हूँ। तो इन तीनों में से कोई भी है आपका इंस्ट्रूमेंट, यानी कि चाहे बहबूद सर्टिफिकेट है या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है या शहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट है, और ये जो मैं मुनाफा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये पूरे साल का है, 6,10,000 मैंने अभी ऐड किया, पूरे साल का 6 लाख तक मुनाफा जो है वो एग्जम्प्ट है, ठीक है जी, 6 लाख तक। और 6,10,000 अब मैंने अमाउंट एंटर की है, मेरा इंटरनेट कुछ स्लो है, 6,10,000 जो है वो अपडेट हो गई है। तो इसके ऊपर जो है मैं आपको टैक्स जो है वो बता देता हूँ कितना बन रहा है, 6,10,000 के जनाब 750 रुपये टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो इसे आपको आइडिया हो गया होगा। तो इसमें जेन में एक चीज़ रखिए कि जिन लोगों का कोई भी टैक्स नहीं कट रहा राइट नाउ, ऐसा भी है कि शहदा बेनिफिट अकाउंट या इन अकाउंट्स के अंदर जो मैंने तीन मेंशन किए हैं, बहबूद सर्टिफिकेट है या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, तो अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप इससे बच नहीं पाएंगे, इससे बचने का कोई तरीकाकार नहीं है, ठीक है जी। अगर ऑलरेडी आपका टैक्स नहीं कटा आपके बैंक में और आप फाइलर हो जाते हैं तो उस सूरत में आपको अब जो है जितनी भी 6 लाख से ज़्यादा अमाउंट होगी उस पर टैक्स देना होगा। तो वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे एंट्री करके 7 लाख की एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 लाख ऊपर वाला जो है उस पर कितनी टैक्सेशन होगी हमें, क्योंकि 6 लाख तक तो एग्जम्प्ट है ना। तो अब मैंने एंटर कर दिया जी 7 लाख, इंटरनेट कुछ स्लो है, 7 लाख रुपए अपडेट हो गया है, और टैक्स चार्जेबल पेमेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके बाद हम 12 लाख जो है वो एंटर करके देखेंगे। कंप्यूटेशन के अंदर हम चले गए हैं और यहाँ पे 7,500 रुपए जो हैं वो 1 लाख रुपए जो ऊपर है, यानी 6 लाख तक एग्जम्प्ट है अमाउंट, ऊपर 1 लाख मैंने एक्स्ट्रा डाला है, 7 लाख टोटल अमाउंट डाली है, तो इस पे 7,500 रुपए जो है वो टैक्स है। बट इसका रेट सेम नहीं रहता, जैसे जैसे आपका कहते रहें कि प्रॉफिट बढ़ता जाता है पूरे साल का टोटल प्रॉफिट, तो वैसे वैसे ये जो टैक्स है इसका, क्योंकि कैलकुलेटर इसका बैक एंड पे होता है और इस कैलकुलेटर में कोई शक वाली बात नहीं होती कि इसमें कोई शक है, ये 100% एक्यूरेट होता है FBR का जो सिस्टम है उसके अंदर। अब मैं यहाँ पर 12 लाख रुपये एंटर करूँगा, ठीक है, तो FBR का जो सिस्टम है वो अप टू डेट है और वो जो है उसमें कोई भी ऐसा फ्लॉ नहीं है कि वो कोई पुराना रेट दिखा रहा हो आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2024 का टैक्स रिटर्न मैंने खोला हुआ, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी अमाउंट जैसे ही अपडेट होती मैं इसके बारे में आपको आगाही दे देता हूँ, 12 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स कितना बनता है। इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से मेरी जो वीडियोज़ हैं उनकी प्ले लिस्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे भी मुकम्मल जो है
प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं वो वन बाय वन एक्सप्लेन किए गए हैं, सेक्शन वाइज आप सर्च कर सकते हैं। और इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर भी मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं। एक प्लेलिस्ट की शक्ल में तकरीबन 250 के करीब वीडियो मौजूद है। अगर किसी भी किस्म की मालूमात आपको दरकार हो तो आप जो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जो है हमको विज़िट कर सकते हैं। 12 लाख की अमाउंट अपडेट हो गई है और एक्सेप्शनली स्लो इंटरनेट आज चल रहा है, कुछ शायद पीछे बैकएंड पे अपडेशन जो है वो हो रही है। इस पे जनाब कंप्यूटेशन में आपने चले जाना टैक्स चार्जेबल पेमेंट में टैक्स को देखने के लिए, और इस पे जनाब टैक्स चार्जेबल जनाब आपका उसने बताया जी 60,000 और नॉर्मल इनकम टैक्स बताया जी 75,000। ठीक है, ये 12 लाख के ऊपर कैलकुलेशन जब की है, और टैक्स रिडक्शन बताइए जी 15,000। ठीक है जी, तो इसमें अब आपके ऊपर जो पेबल अमाउंट है आई थिंक 60,000 की होगी जी, ये 60,000 रुपये आपके ऊपर पेबल है। बाकी कुछ उसने आपको ख़ुद से कंसेशन दे दी है, 15,000 की रिडक्शन जो है वो अलाउ कर दी है आपको। तो टोटल आपको अब ये 6 लाख जो ऊपर वाला है, यानी 6 लाख पे एग्जम्प्ट था, 6 लाख जो ऊपर वाला है उस पर 60,000 रुपया, यानी तकरीबन आप कह लें कि 6 लाख पे 60,000 जो है ये 10% बनता है 6 लाख का। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है रेट जो है, ये जो फाइलर है उसको 15% रेट है आजकल 2024 में, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। ये मैंने दिखाया था कि अगर अमाउंट कम होगी तो उस पर कम रेट लगेगा, यानी प्रॉफिट की आपकी जो अमाउंट है, अगर प्रॉफिट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उस पर ये ज़्यादा रेट चार्ज हो रहा है, बट 10% यहाँ तक रेट है। ठीक है जी,